हेलो, वेलकम बैक। सोच भी कैसे लिया तुम लोगों ने कि तुम लोग यहां से जिंदा निकल जाओगे। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तू मेरी आंखों में धूल झोंकने की गलती कर बैठा। पर तू गोली खा के भी मरी नहीं और अब की सिल्ली पे भी तुझे कुछ नहीं हुआ। पर इस बार मेरी कोनी तेरे सीने के पार होगी। पुलिस की नौकरी कर चुकी हूं मैं तो ये उड़ा आने धमकाने की कोशिश तो मन ने कर मत। अगर तन्ने हमें मारना होता ना तो अब तक हमें ढेर कर चुका होता, क्योंकि हमने तेरे सारे कैदियों ने भगा दिया है तो अब तो तन्ने गेट पास चाहिए। मतलब तन्ने हमारी जरूरत पड़ेगी, वो भी जिंदा। गेट पास की क्या जरूरत है जब इस लड़के ने यहाँ आने जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। ड्रेनेज पाइप के रास्ते तो आया था ना अपनी बीवी को बचाने। दर्द और जान का डर अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा देता है। क्यों डॉक्टर? सही कहा ना मैंने? इन सब के राज खोलने के बाद भी तेरी किस्मत में मौत लिखी है, क्योंकि तू मेरे भाई को बचा नहीं पाया, वो मर गया। अब तू भी मरेगा, ये दोनों भी। अंदर कितने लोग हैं? मीत बहू है, मीत बेटा और डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। टेररिस्ट कितने हैं? पांच 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 टेररिस्ट है। उनका कमांडर तो मर चुका है और एक उनका लीडर है और एक वुमेन टेररिस्ट भी है। जवान सब अटैक के लिए तैयार रहेंगे। हमारा लक्ष्य है आतंकवादियों को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, और उन दोनों मीत की जोड़ी और डॉक्टर की जान बचाना। सरप्राइज जनाब। आगे भेज। अरे जनाब इतनी भी क्या जल्दी है? एक हाथ लंगड़ा भाई, एक हाथ से डॉक्टर। बोलो। लगता है तेरा सारा जोर ना इस बंदूक में, हाथों में और कलेजे में दमना है। मत है तो खोल मन्ने, फिर देखती हूँ कि मेरे सामने कैसे टिकता है तू। ए तुझे देख के कहावत याद आ रही है, रस्सी जलगी पर ऐठन नहीं गई। इसलिए पहले तुझे मार के ही तेरी अकड़ खत्म करता हूं। वैसे भी कई बार तेरी मौत टल चुकी है। ओ लानत है तेरे, लानत है तेरे चीफ, यही ताकत है तेरी? ओ इससे तेरी कायरता दिखती है। दम है दम, तुम मार रहे सीने पे गोली, मार मार। ओए डरपोक, हिम्मत है तो पहले मन्ने मार,
और तू हर बार अपनी न चला सकता। शादी हुई है मेरी तुमसे, और उन फेरों में वादा किया था तुमसे कि तुम्हारी और बढ़ती हर मुश्किल में ना तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊंगा, उस मुश्किल से तुम्हें बचाऊंगा, समझी तुम मीत? कुछ ना छोड़ा मैंने और नहीं मैं सुनने वाली हूँ। तू हर बार अपने मन की न चला सकता, मैं ऐसा ना कर सकूं। मेरे मन की चलेगी तू? ये बस करो यार, मरने मार, तरने मार, तरने मार। आज की छाया रखी एकदम से, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है एकदम से। चीफ, सबसे पहले ना ये लड़की को उड़ाते हैं। मुझे ना अपने प्यार में फंसा के नाटक कर रही थी ना, आप बोलो तो मैं उड़ा देता उसको। इससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। अक्सर ऐसा प्यार करने वाले साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, तुम दोनों ने भी खाई होगी। और बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें एक साथ मरने का मौका मिलता है। समाज के लिए दीमक जैसे इन्हें आते तो इंसान बचाने दिया ना तो मारता की खून खराबा ही करेंगे। मीत, इतना प्यार जाने की बाजी लगी हुई है, अपन रोमांस सूझ रहा है। सूझ रहा है मीत, फिर पता नहीं करने को मिले या ना मिले। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है। किसी दिन गुजर जाऊंगा ना तब तुम्हें मेरे प्यार की कदर समझ में आएगी। बकवास बंद कर। अगर दोबारा से तूने ऐसी बकवास की है ना तो देख लियो बस। हमारे पास बहुत कम टाइम है, ये आतंकवादी भाग जाएंगे। सच्ची में पगलू राम है, मेरे साथ जितनी जिद्दत थे जिंदगी जीना मंजूर किया था ना मैंने, उतनी खुशी थे मौत भी कबूल है बनने। सारी बातें मैं तुम्हें कहता आया था, आज मेरी बातें मुझी को सुना रही हो। हमारी बातें, ये वक्त, ये लम्हा, ये दुनिया खत्म हो जाए। इससे पहले क्या एक बार मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ?
क्या एक बार तुम्हें अपनी गोद में उठा सकता हूँ प्लीज? जमीन के कागज, आज से ये जमीन आपकी। मैडम जी पैसे। ये मेरा ख्वाब है मित्र, ये उस फैक्ट्री का 3D मॉडल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। इस दवा की फैक्ट्री में हर एक काम ऊपर से नीचे A to Z, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंडेशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। ये हम दोनों का सपना है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी इसमें पूरा करने में। जो हम जमीन देख रहे हैं फैक्ट्री डालने के लिए, वो हम फैक्ट्री रानीपुर में भी तो डाल सकते हैं ना। लिखवाना चाहे अपने पति का नाम तो रहने दे।
जिसकी कड़ाई पर अपने पति का नाम ना है वो किसी एक की लुगाई ना सबकी लुगाई हो गए। आज ते तेरी लुगाई नगर लुगाई दूजी ले आएंगे तेरे खातिर। छोरे ने पीट रही है या छोरी ने चटक और दर्द तो दोनों ने बराबरी का ही होता है। घर की परिवार की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। तो फिर चूक क्यों कर हो गई? ना समझती तेरे ते तो बता दे दूजी ले आऊं दूजी। सरकारपुर में बहुत सी चीजें बदलेंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले का देना हुआ। इस मिट्टी की छोरियां ना छोरों ने बता देंगी कि वो किस मिट्टी की बनी है। यू मेरे मीत का सपना है जो पूरा होकर रहेगा। शुभ कार्यों की पूजा जोड़े से ही की जा सकती है। अभी इस पूजा में बिटिया के साथ कौन बैठेगा? यो पंडित जी, यो है मेरे जोड़ीदार, यो बैठेगा मेरे साथ पूजा में। फोटो के साथ? माफ करना, तो बिना मर्द के भूमि पूजन नहीं होता। और ऐसा आपते भगवान ने तो करना होगा, क्योंकि भगवान तो चोरा और चोरी में कोई फर्क ना करते। पंडित जी, पूजा मेरी बहू ही करेगी, आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है। से भी यहाँ के नियम जान ही लिए होगे, तन्ने तोड़ने की इजाजत किसी ने ना है। क्यों सरकारपुर चांद पे है के? तो सरकारपुर के नियम इस देश तेज धरती ते अलग होंगे। तीन गुना कीमत ले ले छोरी, दोबारा हाड़े ना दिखे।
देख के छोरी ने अकल आ गई, डर के भाग ली। अरे आखिर है तो छोरी। क्यों रख गई फैक्ट्री की नींव? और ये सरकारपुर के नियम वही होंगे जो इस देश के, जो इस धरती के नियम है। और मैं देखती हूँ कि मन्ने कौन रोकता है। चाहिए मन्ने कुछ ना, ही गहने ना ही कपड़े और ना ही शादी। पढ़ना चाहती हूँ मैं। इसी कागज के टुकड़े के पंख लगा के तो ऊंचा उड़ने के सपने देख रही थी छोरी, तैर रही है ना? तेरा बाप कल अपने बड़े भाई साहब को तेरे ये पंख काट के उनके पैरों में चढ़ा के गया था, अब क्या करें? हाँ भाई, तारी किस्मत खराब है छोरी। देख से पूछा था, कारपुर के जानवरों में ना इंसानों तो ज्यादा समझ और तमीज है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि दूसरों की जमीन पर पांव ना रखना चाहिए। देखो कैसे भाग गए। दिखाना था तन्ने छोरी। अदरी लाओ। यू सब के इन लोगों ने मारा है ना तन्ने? यो देख, यो है जमीन के असली कागज। यो झूठ है, यो पेपर असली है ही ना? कल ही तो इसने मन्ने वो जमीन बेची और आज ये झूठे पेपर है ना? इनका नाम कैसे हो सकता है? इस शराबी की बात पे यकीन कर लिया तन्ने छोरी? जो जमीन इसने तेरे तक कल बेची है ना, वही जमीन इसने मेरे ते 6 महीना पहले बेची। क्यों भाई चटकन आया ना? हाँ अरे सुनो छोरी, कार जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इसका मैं अकेले गवाह ना हूँ, पूरा गांव गवाह है। आया ना भाई? अरे रे तू घबरा मत, अरे तू मेहमान है इस गांव की।
देख जितने पैसे तूने इस जमीन के दिए ना वो तुझे पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे। मेहमान को तकलीफ में देख के दिक्कत होती है मन्ने। चलो भाई लड़ गया मामला, चलो निकलो। चलो भाई, चल भाई सब बात। तेरे पांव के नीचे जमीन ना है, मगर कमाल की बात यह है तन्ने पता ना है। मैंने कहा था बहुत घाक लोग हैं, कोई बात नहीं आप टेंशन ना लो। खून की नदियां बहते देखी है कदे? सरकारपुर ने भी आज पता चली जावे कि उनका भगवान कितना छोटा आदमी है। रे छोरी, तेरी इतनी हिम्मत की सरकार का अपमान करेगी? अरे दो कान करी चल। नहीं कहीं जुबान के साथ साथ हाथ फिसलने के जुर्म में अपने बापू के साथ अंदर मत हो जाइयो। महेंद्र, महेंद्र, अतिथि देवो भव, मेरे आंगन में खड़ी है इसलिए कुछ ना कह रहा, लेकिन तू जो कर रही है बहुत महंगा पड़ेगा। मन्ने महंगाई बताते बताते खुद सस्ते ना पड़ जाना। सागवान जी, और मैं ना यहाँ मेहमान बन के ना आई, आपके शेर का जवाब देना रह गया था। चले थे छीनने पाँव के नीचे ते जमीन, चले थे छीनने पाँव के नीचे ते जमीन, और खुद का मामला हो गया जरा संगीन। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 33 करोड़ देवी देवता साक्षी हैं कि मेरे मरण का अपमान हुआ है। पर यो जसोदा देवी सरकार की लुगाई आज यो प्रतिज्ञा करे कि जब तक इस अपमान का बदला ना मेरे को मिल जाता, अंदर जो आग जल रही है सो जलेगी, और इस अपमान को याद करने के रूप में मैं अपने बाल खुले रखूंगी। जब तक वो छोरी सरकार के पांव न पकड़ लेती, पांव में गिर के माफी न मांग लेती, तब तक यह जसोदा देवी सरकार की लुगाई अपने बाल न बांधेगी और ना ही अन्न का एक दाना अपने भीतर जाने देगी। वैसे तेरी यो पहेली ना ये बतकना सुलझा पाई हूं मैं। यो हेयर स्टाइल, यो बालियां, यो उलिया कब रखा तूने और क्यों? वैसे तेरी हरकतें बड़ी आड़ी टेढ़ी हुआ करती थी, सच बता इस उलिये के पीछे भी तेरी कोई
तू मन्ने सरप्राइज देना चाह रहा था ना? हाँ? ना खोलेगा के दो दिन का टाइम दे रहा हूं जसोदा, पता लगा अपराधी या तो अपना अपराध खुद मान ले, ना तो अगर दो दिन बाद हमने खोज निकाला तो जो होगा बताने लायक ना है। लूंगा टक्कर the
अभी भैया पहलवानी कर रहे। राम राम फुलादी पहलवान। आजा। मैंने देख के एक पहली सी याद आ रही है। बता बता वो कौन सी सब्जी जो बादल की तरह कच्चे। अरे कौन भाई एक चुटकुला तो बनता है आज। एक चुहिया थी, वो चुहिया रोज शेर ने ललकारा करती। एक दिन शेर बोलिया, चल तेरी या मर्जी तो या सही, पर मन्ने एक बात बता, तुझे मारकर खाऊं या खा के मारूं। बढ़िया। अरे वो कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक तो आपने बता दिया, दूसरा मैं बताती हूँ। आगे चल के वो शेर एक जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ? फिर बेचारा बड़ा तड़पा, बड़ा जोर दिखाया, पर कुछ बली ना पड़ा। फिर आखिर में उस शेर ने गिड़गिड़ाते हुए किसकी मदद मांगी? किससे मदद मांगी? उसी चुहिया से। मन्ने ना, आप सब लोगों से एक सवाल पूछना है। आप सब कौन सी सदी में जी रहे हो? ताऊ, कौन सी सदी है यो? 2023 चल रहा है ना? अरे दुनिया भर में देखो चोरियां कहां से कहां पहुंच गई है। पर ते सरकारपुर में अलग ही दुनिया बसी हुई है। आप लोगों ने, सारी औरतों ने यहाँ जानवरों की तरह दबाया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने हक अपनी ताकत कंधा देना है। यहाँ पर मौजूद सारी औरतें, मन्ने जरा एक सवाल का जवाब दे, जरा सोच के, आप सारी की सारी आजाद हो है ना? तो आप में ते ऐसी कितनी औरतें हैं जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो? अरे भाई इसने होशा जाए तो इस। रखे बात होगी,
मुंह के सारे घूर घूर के देख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? भाई मैं वो कह रहा था, इसने होश आ जावे ना तो मेरी वो फोटो वापस दिला देना। तब बड़ा चाव थे फोटो खिंचवाई थी मैंने। ओ फोटोग्राफर ने गलती थे, इसने दे दी, इसने रख ली। अच्छा जी इजाजत। राम राम।